उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। खबर के मुताबिक 29 तारीख से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए प्रेमचंद्र अग्रवाल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीएम धामी की संस्तुति के बाद विधायी और संसदीय कार्यों की जिम्मेदारी प्रेमचंद्र अग्रवाल को दी गई। विधानसभा सत्र के दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल विधायी और संसदीय कार्य का दायित्व निभाएंगे। आपको बता दें, शपथ ग्रहण के बाद अब तक किसी भी मंत्री को कोई विभाग नहीं दिया गया है। वहीं विभागों के बंटवारे को लेकर भी लगातार कयासबाजियों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक सीएम धामी वित्त, ऊर्जा और लोक निर्माण सरीखे इम्पोर्टेंट विभाग अपने पास रख सकते हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि पुराने मंत्रियों को इस बार नए विभागों का आवंटन हो सकता है। बीते शुक्रवार को भी सभी मंत्रियों की निगाहें विभागों के बंटवारे पर थी, लेकिन तब भी आवंटन नहीं किया गया। पहले यही माना जा रहा था कि शपथ ग्रहण के बाद सभी मंत्रियों को विभाग दे दिए जाएंगे, लेकिन धामी को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने लखनऊ जाना था। अब माना जा रहा है कि आज शनिवार को मंत्रियों के कामकाज पर मंथन हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपनी दूसरी पारी में सीएम धामी ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, वित्त, गृह, कार्मिक सरीखे कई अन्य अहम विभाग अपने पास रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।